नमस्कार। सीमांचल प्रेस लगातार पंचायत चुनावों की कवरेज को दिखा रही है और लोगों से उनके मुद्दे और प्रत्याशियों से उनके खड़े होने के मुद्दे को जान रही है। सीमांचल प्रेस चाहती है कि तमाम तर मुद्दे जो पंचायत चुनावों में कह करके वोट मांगा जाता है वो ज़मीन पर उतरे और दिखे लोगों को। इसी वजह से एक प्रत्याशियों से मिल रही है सीमांचल प्रेस के टीम और लोगों से मालूम भी कर रही है। अभी हम मौजूद हैं बारसोई प्रखंड के चांदपारा पंचायत में। चांदपारा पंचायत इस वजह से ये हॉटसीट और चर्चित पंचायत है क्योंकि यहाँ अताउल्ला नामी शख्स के परिवार में लगातार 3 मरतबा मुखिया पद के प्रतिनिधि रह चुके हैं। हम अभी मुलाकात करते हैं अताउल्ला सर से और मालूम करते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है। सबको स्वागत है, यह धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 3 बार मैं और मेरे परिवार जो है मुखिया पद में रह चुके हैं और मैं जहाँ तक हो सका है सरकारी राशि जो भी योजना मिली सारे योजनाओं को सारे पंचायत में और लोगों के दिल में मेरे लिए मेरे प्रति जगह है, इसलिए लोग मुझे देखते हैं। मैं इस बार भी चुनाव में खड़ा हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि भारी मतों से मुझे विजय बनाए। सर, ये पूछ रहा हूँ कि आप 3 मरतबा रह चुके, ऐसी क्या क्या खूबी थी जो लोगों तक आप पहुँचाए? खूबी ये है कि गरीबों के लिए जो है राशन कार्ड और बूढ़े बुजुर्गों के लिए बूढ़ी के लिए जो है पेंशन, मैंने जहाँ तक हो सका है मेरे अंदर जहाँ तक ये थी सबों का जो है हमने किया है और आने वाले समय में भी राशन कार्ड हो या वृद्धा पेंशन हो या और कोई जो है मतलब के सरकारी ये हो, मैं उसको पूरा करूँगा। और जहाँ तक रास्ते की कमी है, गली जो रह गई है, मैं उसको जो है पक्कीकरण करूँगा। ये मेरा ही है। सर, कितने काम जो रोड और जन संसाधन का किए हैं आप, उसका बता सकते हैं? मैं सारे वार्ड में जो है पक्कीकरण किया हूँ, कहीं इंस्टॉलिंग है और जो प्रधानमंत्री जो है सड़क जो है भद्रा से लेके कल्याण नगर होते हुए धूमटोला और जो है मतलब के अक्षरदा तक वो जो है प्रधानमंत्री सड़क है और टेंगरिया से लेके बालूपरा होते हुए अक्षरदा तक जो है कार्य जो है अभी शुरू है और बालूपरा से धजरा तक जो कच्ची रह चुका है उस सड़क को भी जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। ये काम कब शुरू हुआ है सर? ये करीब करीब ये काम शुरू हुआ है 15-20 दिन पहले। आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ से ईंट निकाले और छुपा लिए। ईंट जहाँ तक निकालने की बात है, हमें ऊपर जो आरोप है बालूपड़ा के लोगों से जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, उस ईंटा को जो है हम लोग जो वहाँ पर मिट्टी का जो ये किए थे ईदगाह को बचाने के लिए, स्कूल को बचाने के लिए, उस ईंट को लाके और अपना जो है पॉकेट का राशि का पैसा जो है लगा के उस दीवार को हम लोग खड़ा किए जिसमें के करीब करीब 18-20 हज़ार ईटा लग चुका है। यानी आप उस ईटे को भी पॉजिटिव काम में लगाएं? जी हाँ, पॉजिटिव सारे लोग काम में। मरतबा आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस मरतबा कुछ नया क्या करेंगे जो वो प्यार बाकी रहे? नया मेरा यह है सभी पंचायतवासी से कि जो अधूरा काम अगर रह चुका है मैं उसको अंतक प्रयास करके जो है उसको पूरा करूंगा। आप अपने आवाम से फिर चौथी मर्तबा के लिए वो किस हिसाब से अपील करेंगे? मैं सारे पंचायतवासी से ये अपील करता हूं कि जितने भी काम अगर अधूरा रह चुके हैं या जो मेरे लायक है उसको करने के लायक मैं उसको पूरा करूँगा। 2001-2002 किया गया, उसके बाद से अब तक की सारी डिटेल्स आपके पास समझ रहे हैं। आप तमाम मुखिया में अताउल्ला सर बेहतर तरीके से समझ बेहतर
भाषण देने वाला वोट देने वाला वोट जनता के तरफ से करने वाला जनता के तरफ से भलाई करने वाला विकास काम को आगे बढ़ाने वाला अगर है तो अताउल्ला इनके परिवार में तीन मरतबा लगातार मुखिया पद में प्रतिनिधि है, आपको ऐसा क्या लगा कि इस मरतबा भी चौथी मरतबा उनको जिताना चाहिए? वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से वोट दिया जाता है, वोट किसी का नहीं। जी जी, आप चाहे किसी को दे दे, क्योंकि काम की वजह से दिया जाता है ना। वर्ग की मतलब डिप्टी समझ लीजिए, आज के डेट में तो राजनीतिक जैसा बढ़ रहा बिहार में, तो वर्ग की डिप्टी हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो वोट देते हैं तो प्रतिनिधि को देख के देते हैं। अच्छा, प्रतिनिधि अगर अच्छा काम करते हैं हम उसको, इसके लिए तीन चरण तक रखे हैं। बात को समझ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वोट देते हैं चाहे जेन्युइन हो चाहे जो भी हो, तो हम लोग प्रतिनिधि को देखते हैं। वर्ग जो है मतलब शुरू से ऊपर से नीचे तक जो भी है, रॉन्ग नया क्या है, नया कुछ नहीं, नया हम लोग अपना बनाना चाहते हैं। इस बनाने के क्रम में तीन टर्म रह चुके हैं, जो हमको विकास क्षेत्र में समर्थन किया है, जो दिया है वो हम लोग के लिए ऊपर वाला से भी। आपको ये आपको संतुष्ट है कि ये विकास का जो धारा भी बह रही है, यही धारा बहना, यही धारा इनके जरिए बह रहा है। इससे पहले बहुत आया, एक भी आया, दो भी आया, जो राजनीति को गंदा करके गया। अच्छा, जो इसका धारा बहा वो तीन चरण तक लगातार बहा, समझ गए? और इस धारा जो है जो क्षेत्र के लिए, इसके बाद जो बहेगा इसका जो धारा रहेगा कुछ और रहेगा। और ये भी कृपा निकित रहे, बस इसी तरह ही काम करते रहे। मेरा शंकर कुमार पासवान नाम हुआ, और हम लोग फुल समर्थन से इनको मेरा पूर्व से लेके आज तक मतलब चरण स्तर तक इनका समर्थन है। अच्छा, और ये जो काम कर रहे हैं बेसिक विलेज प्रोपस, जो गांव का आर्थिक स्थिति है उसको देख के काम कर रहे हैं। जहाँ तक इनका क्षमता है, कोर से लेके कचहरी तक, कटियारपुर तक, यहाँ तक पटना तक जाके अपना समर्थन दिए। विकास का क्षेत्र हम तमाम तर मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े रहते हैं, खड़े यहाँ पर इनको पसंद करते हैं। एक फोन करो, चाहे कोई भी विवादित हो, कोई भी झगड़ा का हो, रोड का मामला हो, हमेशा ही आके हमारे सामने खड़े हुए हैं। पड़ता अब यहाँ तक जो भी है घटना, आप जब जाति प्रथा की बात करें तो आप संतुष्ट हैं कि जाति प्रथा कभी नहीं होगा? नहीं, ये चांदपुरा पंचायत क्या चांदपुरा बात नहीं होना जो है, आज तक हम लोग देखे नहीं कभी जाति प्रथा का अभी हुआ विवाद। और हम लोग जो देख रहे हैं, जो आपस में मिल के रह रहे हैं, विकास का क्षेत्र में जो काम कर रहा है सही कर रहा है, बस इसी को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी तो सबका निकलता है, निकालने वाला तो भचड़े निकाल देगा, लेकिन जो भी है, जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, हम लोग उससे समर्थन है, असंतुष्ट भी हैं और सबको मिलकर सहयोग भी कर रहे हैं।